from Manipal Hospitals Sector 6 Dwarka. आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर मान लो किसी को कोविड इन्फेक्शन हो गया है और उन्होंने पहले वैक्सीन एक लिया हुआ था तो वो दूसरी वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, या जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है उनको इन्फेक्शन अगर हो गया है तो वो वैक्सीन कब लगवाएं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है जब कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट नेचुरल एंटीबॉडीज़ बनती हैं अपनी बॉडी में, और जब तक वो नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं तो हम काफ़ी हद तक कोविड के री इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड हैं। यूजुअली ये वैक्सीन एक महीने तक अच्छी फॉर्म में रहती हैं और अच्छे नंबर में रहती हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जिनको इन्फेक्शन हो गया है वो कम से कम एक महीने का गैप ज़रूर रखें वैक्सीन लगवाने में। वो ज़्यादा गैप भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम एक महीने का गैप जो है वो ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि जो नेचुरल एंटीबॉडीज बनी है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टिव है, और ऐसे टाइम पे अगर वैक्सीन लेते हैं तो देर इज़ अ रिस्क कि वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो और उसके एडवर्स इफेक्ट्स हों। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट पीपल हु हैव गॉट इन्फेक्शन दे शुड वेट फॉर एटलीस्ट वन मंथ बिफोर गेटिंग वैक्सीनेशन।